अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज बात करते हैं उसी शहर के बारे में जिसे लेकर भाजपा और हिंदुत्ववादी सियासत करते आए। इससे पहले भी भाजपा अयोध्या में क्यों हारी का मामला जर बहस रहा, लेकिन जमीनी हकीकत को देखेंगे तो किस तरह जल्दबाजी में सिर्फ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए भाजपा मोदी योगी हुकूमत की जानिब से फैसले लिए गए, जिसकी वजह से कीमत यहां के आवाम को चुकानी पड़ रही है। यहां तक सुनने में आ रहा है कि अयोध्या के तारीखी राम मंदिर में तक लीकेजेस यानी कि छत से पानी चूने के मामले सामने पेश आए, जिससे राम मंदिर में पानी जमा होने की बात कही जा रही है। धीरे धीरे तमाम परतें खुलती जा रही है, जिसमें भाजपा या कुछ हिंदुत्ववादियों की जानिब से अयोध्या का राजकारण की सियासत किस तरह किया गया, जिसे लेकर लोगों में किस तरह से गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस अयोध्या ने इख्तदार पर बिठाया था वही अयोध्या क्या इन्हें इख्तदार से नीचे उतारेगी। मौजूदा हालात की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पानी से अयोध्या के शहर बेहाल है। यहाँ कई जायरीन आते हैं, हजारों लोगों की आमद पहले से होती रही है, पर राम मंदिर के नाम पर सिर्फ सियासी मुफाद बटोरने की कोशिश ने यहाँ के आवाम के गुस्से में इजाफा ही किया है। अयोध्या को लेकर पूरे मुल्क में नफरत परोसने की कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से की गई। इस तरह बताया गया कि मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बाबर ने जुल्म ज्यादती के साथ राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद तामीर की थी। खुद अयोध्या में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहा करते थे, वहां भी इन दोनों जमातों के दरमियान दरारें पैदा की गई। अगर फिलहाल मौजूदा हालात की तस्वीर देखी जाए तो अयोध्या की गलियों में पानी देखा जा रहा है, यहां तक राम मंदिर भी चारों तरफ से पानी की चपेट में आने की बातें यहाँ की आवाम कर रही है। बाहर से आने वाले जायरीन राम लल्ला के दर्शन लेने आ रहे हैं, किस तरह मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखते रहिए। इसे भी यहाँ की आवाम बयान कर रही है। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि जिस राम मंदिर को लेकर मुल्क की सतह पर तहरीक चलाई गई, यहां तक कहा गया कि राम मंदिर को 500 साल बाद आजादी मिल रही है क्योंकि बाबरी मस्जिद में कैद किया गया था, इस तरह की बातें कहानियां नैरेटिव बताई गई। मोदी योगी शाह ने तो गोया इस राम मंदिर के सहारे आने वाले 50 साल तक सियासत में जीत हासिल करने का दावा भी किया था, पर अब मुल्क में बदलती तस्वीर, हिंदुत्व का घटता दायरा और भाजपा ने जिस तरह हिंदुओं के जज्बात से खेल कर इन्हें मायूस किया हुआ है, ऐसा लगता है कि भाजपा या मोदी हुकूमत का बस यही आखिरी दौर साबित हो सकता है। जिन लोगों ने राम मंदिर तहरीक को शुरू किया था उन्हें तो सियासत से दूर ही किया गया। अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, एक पूरी तवील फहरिस्त है, यहां तक कि प्रवीण तोगाड़िया को तक रास्ते से हटाया गया। राम मंदिर तहरीक को लेकर रथ यात्रा के जरिए भाजपा के लिए रास्ते हमवार किए गए। सैकड़ों फसादात बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेकर इस मुल्क ने देखे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत इसी तहरीक के चलते हुए है। एक तरह हिंदुत्व के आंधी का तसव्वुर उस वक्त किया जाने लगा था, लेकिन भाजपा की महज सियासी मुफाद के लिए एक चाल थी। अब ऐसा समझने के लिए अवाम के पास मुनासिब वजूहात मिल चुके हैं। जज्बाती मौजूदों के जरिए अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था अब वही भाजपा या हिंदुत्व सोचो फिक्र वालों के लिए वो वाले जान बनता जा रहा है। आखिर यहाँ के अवाम नाराज क्यों है? रामपद बनाने के लिए 2200 दुकानों को गिराया गया और इन्हें मुनासिब मुआवजा भी नहीं दिया गया। 800 से ज्यादा घरों को गिराया गया। वाजा रहे कि ये तमाम हिंदू ही तो थे जिन्होंने अपने गुस्से का इजहार इस चुनाव में किया था। भाजपा को अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जानिब से चिकस देना एक तरह इशारा ही कह सकते हैं। खैर, लोगों की छत उनसे छीनी गई, अयोध्या हो या किसी और गाँव में हो, एक गरीब को मकान बनाने में उम्र लग जाती है, लेकिन महज राम मंदिर के सामने के रामपथ सड़क तो उसी का बहाना करके वहां के सैकड़ों हजारों घरों दुकानों को बुलडोजर के जरिए हटाया गया। ऐसा नहीं कि अयोध्या में मुसलमान नहीं है, यहाँ भी तारीखी मस्जिदें हैं। रामपथ को बनाने के लिए 30 तारीखी मंदिरों को गिराया गया। सुशीला देवी नाम की खातून जो बेवा थी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है कि किस तरह के राम मंदिर की प्रतिष्ठापना योगी या मोदी करना चाहते हैं? क्या गरीबों को बेघर करके राम भक्ति का इजहार किया जा रहा है? खैर, अयोध्या की कैफियत फिलहाल और बद से बदतर हो चुकी है। सिर्फ सियासी मुफाद के लिए जल्दबाजी की गई, 9 मस्जिदों और 6 बाजारों को भी यहाँ जमींदोज किया गया। खैर, मुस्लिम दुश्मनी की जहनीत को तो समझा जा सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिभाषा जिस तरह से घड़ी जा रही है, एक नया मफहूम बनाया जा रहा था, और ये जो आलमबरदार अपने आप को कहने वाले आखिर अपने ही लोगों के मुखालिफ जाकर क्या हासिल किया? आज अयोध्या बारिश के पानी से घिरा हुआ है और पहली बारिश में ही इस तरह की कैफियत से आवाम दो चार है। ऐसा नहीं कि बारिश इससे पहले नहीं होती थी, लेकिन पानी इस वक्त जिस मकदार से रुका हुआ है, योगी हुकूमत की बद इंतजामी जाहिर हो चुकी है। लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अयोध्या अब कराह रहा है, गरीब के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे।
और योगी मोदी इख्तदार के नशे में इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फैजाबाद हल्के ने इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट किया, इन्हें फर्जी धर्म के नाम पर जज्बात से खेलने वालों की जरूरत नहीं है, ऐसा अवाम को खुलकर कहते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि अयोध्या के उन लोगों का बायकॉट करने तक की तहरीक चलाई गई। अयोध्या के अवाम के साथ एक तरह का धोखा भाजपा ने किया, ऐसा अवाम का कहना है। जिस अयोध्या ने इख्तदार के ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, अब भाजपा मोदी शाह योगी के जव्वाल भी यही अयोध्या बनती जा रही है। पानी में गहरे राम मंदिर को लेकर न सिर्फ अयोध्या बल्कि मुल्क भर में गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और अगर थोड़ा पीछे पलट कर देखा जाए तो राम मंदिर के नाम पर कुछ लोगों का ही भला हुआ है। राम मंदिर को लेकर दुनिया भर से इमदाद हासिल हुई है। अकेले सिर्फ मुरारी बाबू ने 11 करोड़ रुपए बतौर चंदा राम मंदिर को दिया। फिल्मी अदाकारों ने भी दिया है, सियासी लीडरों ने भी दिया है और बढ़ चढ़ कर राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। 5,500 करोड़ रुपए महज फेरिस्त पर चंदादारों के नाम दर्ज है। खैर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्दबाजी में राम मंदिर प्रतिष्ठापना तो की गई और उम्मीद भी यही लगाई जा रही थी कि इसी राम मंदिर के जरिए 400 पार का आंकड़ा आसानी से मोदी हुकूमत छू लेगी। लेकिन फैसला कुछ अलग ही आने वाला था। यूपी के वजीर आला योगी को लेकर आवाम में नाराजगी देखी गई और खुद अयोध्या में भाजपा को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा। मौजूदा बारिश ने अयोध्या की मुसीबतों में और भी इजाफा किया हुआ है। रामपद को लेकर हजारों लोग बेघर हुए, इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। कई लोग बुढ़ापा घर में रहने पर मजबूर हो गए। तारीखी मंदिरों को गिराया गया और अब जब अयोध्या की मईशत बेहतर होगी की कहानियां सुनाई गई तो अब पानी से शहर बेहाल हुआ है। वैसे भी यहाँ पर दुकानों को अयोध्या वालों को तो नहीं दिया गया, किसी और ही शहर के लोगों को दिया गया। जायरीन की तादाद अब घटती भी जा रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जहां राम मंदिर को 1,000 साल तक किसी तरह का नुकसान नहीं होगा कहा गया था, वहीं पहली बारिश से पानी टपकने की बात कही जा रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक शनिचर रात 2 से 5 बजे तक तेज बारिश हुई। मंदिर के गर्भगृह के सामने 4 इंच तक पानी जमा हुआ था। लोगों को डर था कि कहीं मंदिर के अंदर पानी के जरिए करंट न दाखिल हो जाए। गर्भगृह के साथ दिगर कई छोटे मंदिरों में भी पानी भर गया, लिहाजा सुबह 6 बजे की आरती टॉर्च की रोशनी में की गई। 22 जनवरी 2024 को बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठापना की गई और उसका असर पूरे शहर में मुल्क भर में देखने को मिला। इसे अब पूरा साल भी नहीं हुआ। राम मंदिर के अहम पुजारी का कहना है कि पहली बारिश में ही पानी का इस तरह छत से रिसाव कैसे हो रहा है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। राम मंदिर पर 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए जबकि सिर्फ पहला फ्लोर ही मुकम्मल हो पाया। मंदिर के डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर गिरीश सहस्त्रभोजनी का कहना है कि और 2,000 करोड़ की जरूरत है। अब तक 5,000 करोड़ का चंदा हासिल हुआ, इसी इत्तला हासिल हुए और भी चंदा आ रहा है, ऐसा भी बताया जा रहा है। राम मंदिर के सत्येंद्र दास ने कहा कि रामलला जहां विराजमान है, पहली ही बारिश में पानी छत से गिरने लगा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। लिहाजा जिस अयोध्या ने इख्तदार दिया, शायद अब वही अयोध्या भाजपा वालों का इख्तदार से नीचे लाने की वजह तो नहीं बनेगा, ऐसा आवाम की जानिब से कहा जा रहा है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।